आवाज आ रही है मेरी? चलिए जी सर, आ रही ठीक है। अच्छा सर, सैन ने आपको कितना पढ़ा दिया हुआ है वर्ड का, एमएस वर्ड का? अभी स्टार्ट करना है उसका। थ्योरी उसकी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने अभी? कुछ भी नहीं पढ़ाया सर अभी तो। सर उन्होंने बेसिक पढ़ाया था सिर्फ और सिर्फ पहले चैप्टर का ना, तो अभी वर्ड एक्सरसाइज शुरू करना था। थ्योरी भी नहीं कंप्लीट। सर कह रहे थे कि उन्होंने थ्योरी पढ़ा दी है, प्रैक्टिकल रहते हैं बीएमएस वर्ड के। नो सर, प्रैक्टिकल तो सर ने असाइनमेंट माइनर सी दी थी, और वर्ड एक्सेल की और हर स्टूडेंट के पास तो नहीं ना लैपटॉप, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ बेसिक थ्योरी थ्योरी पढ़ाई थी थोड़ी सी बेसिक। चलें थ्योरी, चलें आपको मैं फिलहाल तो प्रैक्टिकल का लेक्चर आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, और साथ से क्या नाम है, आपको हल्की सी असाइनमेंट टाइप तो नहीं है, तो वह कंपलसरी नहीं होगी, लेकिन यह है कि जो करेंगे उसके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि ये आपके काम आने आगे। हाँ जी, क्लास सामने नजर आ रहे हैं स्लाइड्स? जी क्लास स्लाइड्स नजर आ रही है मेरी? हेलो, जी जी सर, नजर आ रही हैं। अच्छा ये वाली स्लाइड्स सर ने स्टार्ट करवा दी थी आपको? ये बच्चे सो रहे हैं क्या साथ? सर ये सर ने ग्रुप में सेंड भी नहीं की ना ही करवाई हैं। ना सर, ये वाली सर ने ग्रुप में नहीं भेजी हुई है। कौन से पार्लर से? सोना सिंगार? नहीं, नेट टोनियन गाइस। अपने माइक म्यूट कर ले जरा। सर ने कौन सी स्लाइड्स पढ़ाई हैं आपको, मुझे कुछ शेयर करें, कोई बच्चा मेरे व्हाट्सएप में सेंड कर देना। सर क्या चीज सेंड करनी है सर? स्लाइड्स स्नैन सर को सेंड करना है यार, स्नैन। ओके यार, अच्छा, फिलहाल जो आपको एमएस वर्ड का सिंपल सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आपको जैसे पता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर हैं, या कुछ भी असाइन करना होता है, टेबल बनाने होते हैं, कोई भी चीज़ एमएस वर्ड में अगर परफॉर्म करनी है हमने, तो ये सबसे पहले उनकी बेसिक चीज़ें हैं। ये सबसे जो ऊपर नज़र आ रही है आपको, ये टाइटल बार, इसके अंदर ये फाइल का ऑप्शन है, एडिट का, फाइल के अंदर ये कि आप सेव कहाँ फाइल कर सकते हैं, कि किस डिस्क में कर सकते हैं। एडिट के बाद ये है कि उसका नाम अगर एडिट करना हो, चेंज करना हो, उसके बाद व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सारे मुख्तलिफ उसके ऑप्शन है मेन्यू के ऊपर, जो टाइटल बार है। उसके बाद आ जाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको नज़र आ रही है ये सबसे पहले ये फोल्डर है, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क है, ये सारे पुराने आइकन्स हैं। और उसके बाद आ जाती है स्टैंडर्ड टाइटल बार। ये जो टाइटल बार है कि आप जो पेज है, आप तीन तीन तरीके से आप इसको किसी भी चीज़ को लिखते हैं। एक होता है लेफ्ट असाइन, आप किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट असाइन कर देते हैं, वो सारा का सारा पैराग्राफ लेफ्ट साइड पे ज़्यादा आ जाएगा, राइट साइड से कुछ स्पेस बच जाएगी। एक होता है मिडल असाइन, के आप किसी भी चीज़ को मिडल में असाइन करते हैं, और जो भी पूरा एक्यूरेट पैराग्राफ होगा, लेकिन यह है कि जो नीचे एंड पे लाइन आधी होगी वो भी दरमियान में मिडल में आ जाएगी। और एक होता है राइट असाइन, कि चीज़ को राइट पे असाइन कर देते हैं। और इसके बाद ये है एमएस वर्ड का आपका मेन ओवरव्यू, सिंपल सा। इसके बाद इसको साथ प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपको साथ साथ समझ भी लगे और फिर परफॉर्म भी करें, क्योंकि ये जब एमएस वर्ड आपका क्लियर हो जाएगा तो मैं फिर आपको असाइनमेंट असाइन करूँगा, तो वो फिर सारे बच्चों की आनी चाहिए, उस हिसाब से मार्किंग होगी इसकी। अच्छी टाइटल बार है, उन्होंने टाइटल बार अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ प्रोग्राम एंड एक्टिव डॉक्यूमेंट, सी द अबव इमेज, जैसे आपको तस्वीर में दिखाया गया।
अच्छा ये सारा उन्होंने थ्योरी में इसी तरह लिखा है, टाइटल बार है, मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है और रूलर उसके बाद आ जाता है। ये सारा मैं थ्योरी में थोड़ा सा ओवरव्यू करके और फिर आपको साथ प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? ये स्टूडेंट्स काफी चुप चुप हैं। हेलो हेलो, आ रही आवाज सर? जी सर आ रही आवाज। ठीक हो सर? हल्की हल्की आ रही है बस। इशारा बंद है? हमारा इशारा नहीं बंद, हमने तो क्या। ये जो सॉन्ग आप सुन रहे हैं ये काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें क्योंकि क्लास हो रही है, ये आप घर में बैठे हो। अच्छा अब उसके बाद आप आ जाएं इसके ऊपर, फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड, के एमएस वर्ड के फीचर्स क्या हैं। कर्सर है, स्टेटस बार है, हॉरिजॉन्टल स्केल बार है, वर्टिकल स्केल बार है, वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया जहाँ आप लेटर टाइप करते हैं, लिखते हैं, इस तरह की चीजें सारी। तो अब इसका हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। अच्छा ये अब मैं यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाने लगा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि एमएस वर्ड में हम किस तरह टाइप कर सकते हैं या न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह एमएस वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। ये शो हो रहा है मेरा जिस तरह मैं ओपन कर रहा हूँ, नजर आ रही है स्क्रीन सारी आप? जी सर आ रही है। चलें ठीक है, ये ब्लैक डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो ये आपकी न्यू स्क्रीन आ गई। ठीक हो गया सर जी, आवाज बहुत कम आ रही है। सर आप गाड़ी जगह पे बैठे तो आपको आवाज अच्छे तरीके से आ जाएगी। क्लास सेपरेट जगह पे लें ताकि आपको आवाज आए। चलो जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको नजर आ रहा है ये सिंपल, ये है आपका मेन्यू बार जहाँ आप लिख सकते हैं कोई भी, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, किसी का नेम वगैरह, कुछ भी लेटर वगैरह, जिस तरह मर्जी। नजर आ रहा है आपको? यस सर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा इसमें किन स्टूडेंट्स ने इसको पहले प्रैक्टिस हल्की सी की हुई है या इसको चलाया हुआ है? सर मैंने किया हुआ है, फिंगर टिप्स पे सारा। अच्छा अच्छा, तो क्या मसलन आपने किया हुआ है? जी सर। तो इसका मतलब है आपको फिर आगे असाइनमेंट करने में आसानी होगी इसकी। सर ये सारा कंप्यूटर कोर्स किया था उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस, सारा ऑफिस पूरा सीखा था मैंने। हाँ वैसे ये आपका मसलन माइनर सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी ये कि आपको इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो चलिए आपने सीखा, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं सीखा मैं उनसे थोड़ा सा पूछ रहा हूँ। अच्छा सबसे पहले मैं कोई भी लेटर आपको उठा कोई भी थ्योरी जो है वो आपको उठा के यहाँ से उधर पेस्ट करके दिखाता हूँ ज़रा। तो उसके अंदर एडिटिंग वगैरह कुछ भी करना है वो इसी से मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा अब वो वाली जो जो स्लाइड्स के अंदर पावर पॉइंट की उसके अंदर थ्योरी थी वो सारी हम इधर ले आए हैं। अब इसके अंदर हमने चेंजिंग किस तरह कर सकते हैं? अब सबसे पहले ये टूल बार, टाइटल बार आ रहा सॉरी, ये दिए मैंने बुलेट्स, आपको नज़र आ रहे होंगे शायद, ये टाइटल बार है। अब आप इसका साइज किस तरह इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आप ये इंक्रीज कर लिया और इसको ए ही डिक्रीज साइज कर लिया और जो एक्चुअल साइज चलता है ओवरऑल वो 12 है। हेडिंग का साइज 14 होता है और जो मेन आगे पैराग्राफ है उसका साइज होता है 12। क्या आपको नजर आ रहा होगा? अब इसका साइज 12 होगा और उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन है जो यूज करते हैं स्टैंडर्ड ओवरऑल जो वर्ल्ड में किसी भी लेटर को टाइप करने के लिए टाइम्स न्यू रोमन में ही उसको टाइप करते हैं। अच्छा उसके बाद अब ये वाले फंक्शन आपको बता देता हूँ मैं जरा इसके। है बहुत सिंपल चीज़ है, अब आपको आ गया तो ये फिंगर टिप्स पे है। सबसे पहले है कि आप पेस्ट कोई भी चीज़ वहाँ से उठा के कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, इतना तो हर किसी को पता होगा उम्मीद है। हेलो क्लास आवाज आ जी सर? जी सर आ रही है। ठीक हो गया,
मैंने कहा जितना मैंने बताया उतना तो तकरीबन पता होगा फिंगर टिप्स पे कंट्रोल से कंट्रोल में कॉपी करने का। जी जी सर। उसके बाद अब सबसे आ जाती है ऊपर ये टाइम जो रोमन इसकी आ गई स्टाइल, उसके बाद इसका साइज हो गया 12। अब उसके बाद ये बी है, ये बोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है। बोल्ड मीन्स कि आप ये अब टाइटल बार है, इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, आप इधर क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं या इधर भी क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं, जैसे मर्जी। अब अगर इटैली करना चाहें हम सर कंट्रोल प्लस बी से भी कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, कंट्रोल प्लस बी से भी कर सकते हैं, कंट्रोल आई से इटैलिक। लेकिन ये है कि चलो बच्चों को ये मेन, ये तो शॉर्ट कीज हैं, शॉर्ट कीज बाद में आते हैं, पहले आप ये समझ लें जरा। जिनको आता है तो जी सर काइंडली के आप, जिनको नहीं आता उनको भी समझ आए, इस वजह से सारों को साथ लेके चलना पड़ेगा। जी सर। तो अब ये जो आई का आइकन है ये इटैलिक का, ठीक हो गया, ये इटैलिक हो गया। उसके बाद इसी को हम अगर अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद अब हम कुछ भी अगर आपने कलर चेंज करना है तो कोई भी कलर कर लें, ग्रे कर लें चलिए इसका बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद इसका कलर कर दे वाइट। सॉरी ये क्लिक इसको कर लें ज़रा, उसके बाद करते हैं। आप यहाँ से कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर करना है तो ब्लैक कर लें, और उसके बाद अगर जो टेक्स्ट का कलर है वो करना है तो उसको वाइट कर लें, तो आपको साफ नज़र आ जाएगा। एक मिनट ज़रा ये देखें, नज़र आ रहा है आपको? जी सर। अच्छा जी सर, आ रहा है। ये सिंपल चीजें हैं, इसका इतना जिसको कहते हैं कि ओवरव्यू एक दो दफा चला करने से, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट राइट करने से आपको क्लियर हो जाएगा, ये इतना जिसको कहते हैं सिंपल काम नहीं। अब उसके बाद हम आते हैं ये जो साइज इंक्रीज ए से और ये डिक्रीज होता है। इसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स, अगर किसी ने अरेंज करना है वो इसे अरेंज भी हो जाएगा, उसका इशू नहीं है। अब बुलेट पॉइंट्स का, बुलेट पॉइंट्स को हम किस तरह बुलेट्स में चीजों को कर सकते हैं, क्या ये आपकी चार लाइंस हैं ये। अब अगर इन्होंने आपने इसको बुलेट्स में पॉइंट्स में करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपली पॉइंट्स में हो जाएगा। और अगर आप इसको पॉइंट्स मतलब बुलेट्स के भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, टिक का टिक का आइकन है, इस एरो से कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करें। अगर आपने इसको नंबरिंग के हिसाब से करेंगे तो वो फिर आप इसके साथ ही 1 2 3 लिखा हुआ नंबरिंग का, आप यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 इस तरह हो जाएगा। अगर ये नहीं तो ये अगर रोमन में करना चाहते हैं, रोमन वाला भी इधर ही था। ये तो आर्टिकल आ गए हैं। अच्छा सॉरी, ये रोमन वाला। अच्छा अगर अगर आप रोमन में करना चाहते हैं इस तरह हो जाएगा, और अगर आप एबीसी में किसी भी टाइप में करना चाहेंगे इस तरह, जितना ज़्यादा आप इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका पता चलेगा। अच्छा अब ये जो उसके ऊपर बता रहे थे, अब कुछ लाइंस ऐसी हैं, अब इसको मैं कंट्रोल जी कर लूँ ज़रा ताकि थोड़ा सा सीक्वेंस में हो जाए। अब आप ये देख रहे हैं कि टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, रूलर। अब अगर आपने इसको एक ही साइज में रखना है तो आप कंट्रोल इसके ऊपर क्लिक करके और उसके बाद साथ दूसरों को कंट्रोल करते जाएंगे, ताकि आपको साथ साथ पता जिनका सारों का साइज एग्जैक्ट करना है। इस तरह ये आपको बार बार करना पड़ेगा, लेकिन यह कि एक दफ़ा इसको कंट्रोल करके सारों को, तो उसकी आप हेडिंग का साइज कर देंगे 14 और हेडिंग का फॉर्मेट ये कर देंगे टाइम न्यू रोमन। ठीक हो गया, नजर आ रहे हैं? जी सर आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो आपको बताना मैं चाह रहा था, ये जो पैराग्राफ्स के लेफ्ट साइन, राइट साइन, मिडिल साइन, ये आप किस तरह कर सकते हैं। अब ये देखा कि आप वो जिस तरह पहले स्टूडेंट कह रहा था कि कंट्रोल ये जो लिखा हुआ है, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल आई, कंट्रोल बी, ये सारी शॉर्ट कीज हैं इनको परफॉर्म करने के लिए। पूछोगे मोबाइल किधर गया है? क्या पूछोगे मोबाइल किधर गया है? मोबाइल पता नहीं किधर चला गया। अरे ये स्टूडेंट्स आवाज ना आए। हेलो हेलो।
गाड़ी भी जाता है। चलें ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि हम इसको मिडल में किस तरह कर सकते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा लेफ्ट असाइन। ये आपने देखा है सारी लेफ्ट पे आ गया डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पहले किस तरह थे ये देख लें जरा। इसको डिफरेंस आपको दिखाता हूँ, ये हो गया लेफ्ट साइन, उसके बाद ये हो गया मिडल में। आप देख रहे हैं, पता चल रहा है आपको? हेलो जी सर, पता चल रहा है कोई? ठीक हो गया। अब इसके बाद आप इसको राइट असाइन जब करेंगे तो ये आपका राइट पे चला जाएगा। ये सिंपल कीज है, इसका कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और उसके बाद इसको हम प्रॉपर जो करते हैं फॉर्मेटिंग, वो इस तरह हो जाती है। ये लेफ्ट साइन से ये है कि इनका ये थोड़ा सा ये ऊपर नीचे इस तरह, ये देख रहे होंगे आप, एक्टिव इधर है जो प्रोग्राम एंड एक्टिव, ये इधर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको मिडल पे करेंगे ये तब उधर चले जाएगा। और सबसे मेन है ये जो लास्ट पे आ जाता है कंट्रोल जे, इसको करेंगे तो ये प्रॉपर लाइन का साइज प्रॉपर हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे। उसके बाद आप इसमें कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। आप जाएंगे, ये होम आ गया, आप जाते हैं हम इंसर्ट में, इंसर्ट में चले गए। मुझे बता देना कि जितना आप कर सके, कल मुझे करके दिखा सके तो उतना ही मैं आपको बताऊं, ठीक है सर? अब सैटरडे को क्लास होगी, बाकी आप जितना पढ़ाना पढ़ा दें हम कर लेंगे। सैटरडे को ये है कि मैंने आपको जो असाइनमेंट मैं दूंगा तो आपने करके देनी है, मुझे परफॉर्म करके देनी है सर। वो पहले भी एक सर ने बनवाई थी, वो वापस ले ही नहीं। क्या चीज? सर ने पहले भी बनवाई थी वर्ड में। हाँ जी हाँ जी, वो अभी तक रिसीव ही नहीं की। चले मुझे सर एक लॉजिकल बात है कि हमारा टेस्ट जो होगा, पेपर जो होगा सर, वो थ्योरेटिकल तो नहीं है ना, असाइनमेंट पे बेस नहीं करता वो सर, वो थ्योरेटिकल बेस करता है सर, वो लिखना पड़ेगा सारा, तो इसका फायदा तो नहीं है, सिर्फ समझा दें बस आप, असाइनमेंट जिसने करनी है करे, ना करनी ना करे। नहीं आपकी बात सही है, लेकिन आप इधर अगर आप मार्क्स लेने के आए हैं तो फिर तो मार्क्स सर जो चाहता है तो उसको मिल जाते, मसला कोई नहीं। लेकिन नहीं सर, असाइनमेंट के हमारे नंबर नहीं है सर फाइनल में। नहीं ये मैं सबसे पूछ लूंगा सर, अली है कि नंबर नहीं है असाइनमेंट के हमारा, थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी पे सर फोकस करें, असाइनमेंट्स पे ना सर करें, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। जरा थ्योरेटिकल बेस पे कंसर्न कर सर से, तुम भी चुप करो, हमारा भी पेपर है आपके। अच्छा चलो, सारे म्यूट हो गए, अब मेरी बात सुनो। ये जनरल चीज़ है, आपको इसकी मार्किंग नहीं होगी असाइनमेंट की, लेकिन ये आपके लिए भले के लिए आपका फ़ायदा का है, क्योंकि अब जब आप आगे प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो उसमें आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आपको। आपकी मुझे लगता है लॉ की इतनी शायद वैल्यू ना हो जितनी आईटी की इस वक्त इस फील्ड में, क्योंकि ये वर्ड जो एक्सेल है ये तो सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन वर्ड सिंपल है, पावर पॉइंट भी सिंपल है, लेकिन एक्सेल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उधर फार्मूलाज लगते हैं, सारी शीट्स बनती हैं, हर कोई चीज़ होती है। अब एक्सेल पे जिसका हाथ सेट है वो तकरीबन, अगर जॉब करता है जिसका एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, वो तकरीबन 50+ भी पे लेता है। तो इस वजह से ये पे के अलावा आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में अब कहीं चले गए हैं, अगर आपको लेटर लिखने नहीं आता आप उधर क्या करेंगे? उन्होंने कहना आपका लॉ करने का 5 साल का क्या फ़ायदा अगर आपको ये चीज़ नहीं आती। इस वजह से अब ये है कि मैं देखूंगा, मैं अपने हिसाब से करूंगा कि उसके मार्क्स रखने नहीं रखने से साथ, क्योंकि सेशनल और दूसरे मार्क्स वो मेरे हाथ में है। तो असाइनमेंट चलिए ज़्यादा नहीं दूंगा, पहले मैं आपको पढ़ा लूँ तो कुछ चीज़ इस तरह की है जो मैं आपसे करवाऊँगा सही परफॉर्म, क्योंकि मुझे भी पता चले आप कितना सुन रहे हैं, कितना आपको आता है। तो अब उसके बाद सर इधर सेशनल मार्क्स होते नहीं है सर? सेशनल मार्क्स नहीं होते? नहीं सर, ये एनुअल सिस्टम है पंजाब यूनिवर्सिटी का सर, इधर तो सेमेस्टर सिस्टम में सेशनल मार्क्स होते हैं, तो इधर सर सिर्फ थ्योरेटिकल बेस है सर। चलें ठीक
चलें देख लेंगे थ्योरी किस तरह की। पेपर वहां से पंजाब यूनिवर्सिटी से निकलेगा आपका? जी जी पंजाब यूनिवर्सिटी सर लेगी, वो उनकी सारी मैनेजमेंट होगी सर, उनका सारा कुछ होगा, हमने पेपर दे के आना है, बस लिख के आना है सारा सर। तो यार बात सुनो, अब अगर आपको थ्योरी में आप इस चीज का रट्टा क्या लगाना है मुझे ये बताओ जरा। अब अगर आपको वर्ड आता है, सिंपल क्वेश्चन आएगा, आप परफॉर्म की होगी चीज, आप आसानी से आंसर कर सकेंगे उसका। सर कैसे करेंगे सर, पढ़ेंगे तो करेंगे ना सर। चले ठीक हो गया, मैं पूछ लूंगा, एक तो असाइनमेंट मैं आपसे लाजमी लूंगा, वर्ड पूरा करवा के उसकी एक असाइनमेंट वो लाजमी देनी होगी आपने। बाकी मैं सर अली से भी डिस्कस कर लूंगा, सुनैन से बात कर लूंगा। तो बाकी चले, आज मेरी फर्स्ट क्लास थी आपसे, तो थोड़ा सा डिस्कस इतना जूम पे इतना जिस कहते हैं कि लेक्चर देने का मजा नहीं आता जो रियल टाइम में है। तो बाकी अभी मीटिंग का टाइम देख लें कितना रह गया। ये मैं सारों को अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ आपने शेयर कर लिया तो कर सकें आसानी से। हेलो, ये आप क्लास किधर बैठ के लेते हैं, घर बैठ के या बाहर बैठ के? घर बैठ के सर। तो कुछ बच्चे गाड़ी में जा रहे हैं, कुछ की आवाज आ रही है, ऐसे ही चलते फिरते सारे बच्चे ले लेते हैं क्लास। चले सही है। तो सर हुसैन ने आपको कितना पढ़ा दिया था? मैं आपसे ये डिस्कस चाह के मैं फिर अपने हिसाब से चलाऊं। अगर सर हुसैन ने तकरीबन सर मैंने सेंड कर दिया आपको जितना पढ़ाया ना सर हुसैन ने, तो मैंने आपको सेंड कर दिया WhatsApp पे। ओवरऑल सारा कर लिया वो वाला जो आपने सेंड किया मुझे? जी जी सर। चलें ठीक हो गया, लेक्चर 1 है, उसके बाद लेक्चर सर अब आप ही पढ़ाया करना। हां जी हां जी, मैं ही पढ़ाऊं करूंगा आपको। सर सर हुसैन ने सिर्फ ना कोर्स यानी कि पढ़ाते ऐसे थे कि लिख के असाइनमेंट आप बना के हमको प्रेजेंट कर देते थे, तो बाद में वो उन्होंने बताया था कि मैंने जो पॉइंट लिखे हैं ना इस पीडीएफ फॉर्म में जो आपको सेंड किए हैं, डिटेल आपने उसकी इंटरनेट के जरिए करनी है, तो मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूँ ओरली, तो आपने रिटर्न फॉर्म में आपने खुद ही इसको लेके आना है। तो सर आप ऐसे कीजिए काइंडली, हर चीज को ब्रीफ करके ना बता दिया करें सर। नहीं मैं आपको बताता हूँ सर, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का अभी सर से मैं, क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास है आपसे, तो मुझे भी इतना भी नहीं पता कि क्योंकि कोर्स आउटलाइन इन्होंने दी है मुझे, तो अब उसके ऊपर मैं थोड़ा सा देख के वो आपको लेक्चर आगे आपका प्रिपेयर करूँगा जिस तरह भी करना है। तो ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो टीचर ने देने हैं, आगे जब उसको उनको एक्सप्लोर करके देखना है वो आपका काम है। अब ये है कि लेक्चर में वर्ड का आपको एक लेक्चर में, दो लेक्चर में समझा दूंगी या तीन में हद, तो उसके बाद जब पेपर आएंगे आपको आता होगा, प्रैक्टिकली किया होगा, तो आपको आगे पता चलेगा उसका कि हाँ ये चीज़ की है मैंने, इसको बोल्ड किस तरह करते हैं, टैली किस तरह, लेटर किस तरह लिखते हैं, उसका साइज़ क्या है, वो सारी चीज़ें आपको आती होगी तो आप आगे पेपर में लिख सकेंगे। अगर कुछ भी ना आता होगा आप क्या लिखेंगे? प्रैक्टिकल किया होगा तो अपनी वर्डिंग में कुछ ना कुछ लिख सकेंगे आप। सर एक बात ये है ना कि जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जैसे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं सर, वैसे अगर इस तरह करते रहे तो हमें इस तरह भी समय नहीं लगेगी। अगर पढ़ेंगे सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तभी समय लगेगी सर। यार अगर तो ये आप कह रहे हैं कि सिर्फ रट्टा लगाने, तो रट्टा लगाने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल हमेशा जो भी फील्ड ऑफ लॉ आपका पढ़ेंगे ठीक है जितना आता है, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज हमने पढ़ी नहीं थी। सर थ्योरी के लिए सर ने बुक भी लिखवाई है सर हुसैन ने। हाँ हाँ सर हुसैन से यार बस कल संडे था इस वजह से इतना बात वगैरह नहीं हो सकती, मैं भी थोड़ा सा बिजी था इस वजह से। सर हुसैन से मैं सारी डिटेल्स वगैरह उनसे लेके तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे अच्छे तरीके से बात वगैरह करूँगा, किस तरह का लेक्चर देना है आपको, किस हिसाब से प्रिपेयर करना है। अगर तो आप इनिशियल है अभी आपको कुछ भी नहीं पता हो, फिर तो जिसको कहते हैं कि सर पीटर नॉर्टन की एडिशन 8 सर ने बुक लगवाई है थ्योरी के लिए, साथ साथ पढ़ने के लिए।
और वैसे साथ ये भी करवा रहे हैं और वो बता देते हैं वहां से पढ़ना बुक का लिंक आप बुक मुझसे शेयर कर सर ये पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रिस्क्राइब बुक है सर उन्होंने सर ने बताई थी इसलिए अच्छा बुक किसी ने डाउनलोड की है जी सर 7th एडिशन मेरे पास है सर चले मेरे इनबॉक्स में 8th एडिशन सर ने कहा करनी है 8th एडिशन जी सर चले ठीक है आप वो मुझसे शेयर कर लें ताकि मैं फिर उस हिसाब से बुक के अंदर से ही आपकी स्लाइड बना दूं आप जी सर ठीक चले आज ब्रीफली बाकी आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि मुझे भी पता चले फिर लास्ट में अपना दे दूंगा चले वन बाय वन देते हैं सर टाइम खत्म होने वाला है आप ही दे दें बस हम चले फिर नेक्स्ट क्लास में देंगे इंट्रोडक्शन भी करेंगे हर किसी टाइम कितना रह गया सर टेंडर्स लगा लें सर काइंडली टेंडर्स लगा लें हाँ मैंने पिक्चर ले लिया आपकी तो वो टेंडर्स लग जाएगी आपकी इंशाल्लाह लग गई गाड़ी जनाब आ जाए यार एदी टेंडर्स ले लो बाकी छोड़ो इनू मगरो लाओ की इनू मगरो लाओ तेरे नाल मैं गल कीती यार टेंडर्स ही गल कीती है ना मैं यार अच्छा आप देखें जरा अब Zoom आप इतनी देर से यूज कर रहे हैं आपको यार बीच में ना अमीर हमजा ना बोलो मैंने सर से बात की ना बीच में ना बोलो इनू मगरो लाओ ये कौन है अच्छा हुसैन चलें ठीक है क्लास आपकी क्लास फिर ओवर होती है आज की तो परसों इंशाल्लाह सैटरडे को मुलाकात होगी आपसे अल्लाह हाफिज़ आप लीव कर सकते हैं